एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लेफ्ट हैंड सोनिया में। तो ये देखिए, मैं हो गई हूँ तैयार। ये सब्जी इग्नोर करिएगा, ये मंडी से आई थी। तो आप लोगों को पता ही कि एक ही कमरा एक और किचन है, तो किचन में तो हर सामान नहीं आ सकता कि किचन छोटा सा ही है। तो ये कमरे में मैंने डेलिया में रख के सब्जी को रख दिया है। और कि मतलब ठंडी में फ्रीज में सब्जी रखने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा ऐसे ही बाहर रहता है, ठंडी का मौसम रहता है, सब्जी ख़राब नहीं होती, इसलिए मैंने इसी डलिया में रखा। मंडी से सब्जी आई थी। और ये देखिए, मैं हो गई तैयार। ये मेरे बच्चे भी हो गए तैयार। ये छोटंकू, ए छोटंकू, छे दो, ए गुड्डा, हेलो कर दो, हेलो। वो कपड़े कल मैंने धुले थे तो वो मुझे सेट करना है। और देखिए, आज का वीडियो मैंने कितने बजे शुरू किया है, ये देखिए 3 बजे। तो हम लोग जा रहे हैं एक जगह घूमने के लिए। तो क्योंकि आज संडे था, बच्चों का मन था, तो ये वाला चलो कहीं थोड़ा सा घूमाया जाए, मार्केट वार्केट। और उसके अलावा भी देखते हैं और कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ आस ही पास थोड़ा सा घूमने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मोबाइल उठा के आप लोगों से बात कर लेते हैं और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। और ये देखिए गज्जू की आज एक जैकेट मैंने एक और मंगाई है, तो इसका भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो में। जब आ जाऊंगी वापस तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जैकेट कैसी आई है। और ये उस दिन आई थी, तो देखिए मैंने गज्जू की जैकेट बनाई है, बहुत सुंदर लग रही है, उससे ज़्यादा मुझे ये वाली सुंदर लगी है। और तो चलिए हम लोग निकल रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं वो सब मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी और बराबर हर चीज़ आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो चलिए हम लोग निकल रहे हैं, फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ और बात करती हूँ। चलिए बाय। देखिए गज्जू के पापा बाइक में हवा भरवा रहे हैं, हवा थोड़ी सी कम थी। ये हमारी गज्जू, खेदो 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 डॉगी, हैं नहीं तो मुझे चाचा के साथ बैठ जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं 82 बलिया पुल घूमने के लिए। ये जो है ओवर ब्रिज अभी जल्दी में नया बना है, और ये पुल जो है इसको 82 बलिया पुल कहते हैं। और ये बलिया से छपरा और बिहार जाने के मार्ग को ये जोड़ता है। मतलब यहाँ से अगर आपको छपरा या बिहार जाना है तो आप बहुत इजी तरीके से और जल्दी पहुँच जाएंगे। और काफ़ी लंबा पुल बनाइए, कई किलोमीटर दायरे में फैला ये पुल, काफ़ी लंबा बना हुआ है। तो हम लोग वही घूमने जा रहे थे और ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और काफ़ी सुंदर व्यू आता है यहाँ से देखने में, इस पुल से देखने में। ये देखिए गंगा मैया हम लोग की दिखने लगी यहाँ से। यहाँ से 82 बलिया पुल की स्टार्टिंग शुरू हो गई है।
और ये कितना सुंदर देखिए ब्रिज बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, और काफी लंबा बना है ये, तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबा पुल बना है ये, और गंगा नदी के ऊपर ही बना है। तो हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे यहाँ आने के लिए, देखने के लिए, कि क्योंकि बहुत लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे घूमने के लिए, और ब्रिज काफी सुंदर बना हुआ है और काफी मजबूत बना है। तो देखिए दोनों तरफ से बगल में हमारी गंगा मैया दिख रही है। थोड़ा बहुत घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, अंधेरा होने वाला है। तो अगर आज का वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय, अपना ख्याल रखिए।